गाइस वेलकम बैक, राधे राधे आप सभी के लिए। आज मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे, जो मैंने 1 किलो मैदा लिए गाइस और इसको मैंने जल्दी से छान लिए हैं। और सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस, इस 1 किलो मैदा को इस तरीके से मैंने छलनी से छान लिया है और छानने के बाद इसको बीच में इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे। और यहाँ पे सो गाइस, मैंने मौन के लिए ऑयल लिया है, जो मैंने 1 कटोरी लिया है, और 1 किलो मैदा में ऑयल 1 कटोरी मैं डाल दूंगी। इसमें गाइस डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जितना आप लेवल हो उतना आप ले लें। मैं गाइस इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। इसमें गाइस नमक पारे बनाने के लिए उसमें डालना पड़ता है गाइस अजवाइन। अजवाइन के बगैर नमक पारे अच्छे नहीं लगते हैं। सो गाइस, मैं इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ली है, आधा टी स्पून समथिंग, 1.5 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली है। सो गाइस, इसमें मैं नमक पारे में मैं चीनी ले रही हूँ 1 टीस्पून। सो गाइस, चीनी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को लिए भी बहुत टेस्टी लगते हैं नमक पारे। सो गाइस, अगर आप बनाते हैं नमक पारे में अगर 1 टीस्पून अगर चीनी डाल देंगे तो बिस्कुट जैसा टेस्ट आ जाता है। तो गाइस बिस्कुट की तरह के लगते हैं और बच्चों के लिए भी बहुत पसंद आते हैं, और सो गाइस फ्लेवर इसका चेंज हो जाता है। और इस तरीके से आप पूरी वीडियो देखेंगे गाइस, आपको तो समझ में आएगा नमक पारे कैसे बनाते हैं। अब इसके लिए जो मैंने अभी पानी नहीं लिया है, और इसको इस तरीके से जब भूनेंगे तो भूनने के बाद इसको देखेंगे कि इसमें ऑयल की मात्रा कितनी है। मौन उस हिसाब से पड़ना चाहिए जिस हिसाब से लेवल हो। सो गाइस, अगर आप मौन कम डालेंगे तो नमक पारे कर्रे बनेंगे। सो गाइस, तो मौन के लिए अंदाज बनाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो गाइस, बनाने के बाद अगर इस तरीके से मुट्ठी बन रही है मौन की, तो गाइस मौन ठीक पड़ा है, परफेक्ट पड़ा है, और छूने में भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है। अब गैस मैं लूँगी पानी और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी खींचते जाएंगे और इसको डो तैयार करेंगे। तो गैस मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको भून लेंगे। नमक पारे से गैस सभी को बहुत पसंद होते हैं, और चाय के साथ लें, किसी के वैसे बुकनू लगा कर खाएँ तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से इस डो को तैयार कर लेंगे। इसको उसी तरीके से गूंदना है जैसे पूड़ी का आटा गूंदते हैं गाइस, और पराठे का तो थोड़ा सा मुलायम होता है, मगर इसका थोड़ा सा टाइट ही रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लेंगे पूरा, थोड़ा सा पानी और लेंगे। और गाइस, इसमें चीनी डालने से क्या होता है कि जब नमक पारी जब सेकते हैं तो उसमें अजवाइन ऑयल में हो जाता है, तो चीनी डालने से गाइस अजवाइन ऑयल में नहीं आता है और अजवाइन उसी में ही रहती है नमक पारे में ही। इसको इस तरीके से गूंदेंगे पूरा। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से कि मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो को तैयार किया है, और इसको दोनों हाथों से भूनेंगे। एक हाथ से तो अवेलेबल नहीं है मैदे के लिए, तो गाइस मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है और इसको भूना है अच्छे से। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। सो गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी टाइट ही बनी है। अब इसको ठीक से समेट लेंगे, और अगर आपको नमक थोड़ा सा कम लग रहा हो तो आप इसको डाल सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से डो मैंने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये टाइट कितना है, कि उंगली को मैं गड़ो रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइट की तरीके से इस तरीके से गुड़ रही है। और इसी तरीके से डो को तैयार कर लेंगे नमक पारे का, और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा गाइस ऑयल लगा देंगे हाथ में लेके, इसमें चारों तरफ इस तरीके से ऑयल लगा देंगे। और इस डो के लिए गाइस समथिंग आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे। आधे घंटे के बाद ही इसको फिर से संभाल के सही करेंगे। अब इसको एक थाली से ढक देंगे। तो गाइस मिलते हैं आधे घंटे के बाद। आधा घंटा हो चुका है, अब इसको थाली हटा के देखेंगे। अब इसको फिर से डो तैयार करा था उसके लिए फिर से संभाल लेंगे। डो को गाइस इस पत्थर पे रख लेंगे और इसको संभाल लेंगे इस तरीके से, और इसकी लोई तोड़ लेंगे इतनी बड़ी इस तरीके से। सो गाइस, इस तरीके से लोई तैयार कर ली है, अब इसको बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से बेल लेंगे पूरा। आप चाहे कोई भी शेप में बेल सकते हैं, और इसको चाकू से इसको साके के आकार में इसमें काट लेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस करेंगे, इस तरीके से कटिंग करेंगे।
कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से गाइस इसको कटिंग कर लिए। अब चाहे तो इसको इस तरीके से काट लेंगे और पत्थर पर गाइस आसानी से उठा भी सकते हैं, तो इसको बड़े चाकू से इस तरीके से कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप बेल सकते हैं और बेल के कटिंग कर लेंगे। जितनी मैदा है गाइस इसी तरीके से सब साके की कटिंग कर लेंगे। गैस को ऑन करेंगे और जो मैंने ऑयल डाला है इसको गर्म कर लेंगे। तो गाइस ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें साके डाल देंगे। नमक पारे को गाइस साके भी बोलते हैं, नमकीन साके। परछली से गाइस इसको चला लेंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। और इसको बहुत ही आसानी से सिक जाते हैं। अब इसको गुलाबी होने तक भूनेंगे, तलेंगे। अब आप देख सकते हैं गाइस ये सिक चुके हैं और बड़ी करछुली लेंगे जिससे आसानी से ऑयल निकल जाए और आसानी से इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आप बना सकते हैं नमकीन पारे और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब प्यारी जी के लिए भोग लगाएंगे और आप इसके देख सकते हैं कितने करारे बने हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो गाइस आपको ये नमक पारे की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस इसी तरीके से सारे नमक पारे सेक लेंगे और बहुत ही करारे बनते हैं और इसी आवाज़ से कितने बढ़िया बने हैं। तो गाइस आप इसको कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और ख़राब भी नहीं होंगे। गाइस चाय से खाइए, नाश्ते में सुबह लीजिए और चाहे शाम को खाइए, कोई नो प्रॉब्लम। और या फिर कोई गेस्ट आए तो उसके लिए भी आप 5 मिनट में नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही जल्दी बनते हैं और इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे आप सभी को।